हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको नोटिफाई कर देता हूँ कि जिन जिन बच्चों के पास भी क्लास के टेक्स्ट बुक्स नहीं हैं, वो जल्द से जल्द इशू कर लें और साइंस के लिए वो एक नोट कॉपी बना लें, जिसके अंदर मैं जो भी आपको होमवर्क या फिर जो भी आपको लिखने के लिए एक्स्ट्रा काम वगैरह दूंगा, वो आप उसके अंदर नोट करेंगे। तो हम हमारा आज का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड का मतलब क्या होता है? सोर्सेस समझने से पहले हम ये समझते हैं कि फूड क्या होता है। तो फूड एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है कोई सा भी काम करने के लिए। जैसा कि हम धरती पे अगर हमें जीने के लिए या फिर कुछ भी काम करने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो इंट्रोडक्शन समझते हैं कि फूड क्या है। फूड इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। फूड जो है बहुत नेसेसरी है हमारी लाइफ में। क्यों है नेसेसरी? इट गिव्स एनर्जी फॉर मूवमेंट एंड वार्मथ। इट गिव्स एनर्जी मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें किस चीज़ के लिए? मूवमेंट के लिए। हम जो भी काम करते हैं, जो भी चीज़ हमें एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना है, तो उसके अंदर कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। वो एनर्जी कौन देता है? फूड देता है। दूसरा है वार्मथ। वार्मथ का मतलब होता है कि गर्मी पैदा करना। हमारी बॉडी जो है वो जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसके अंदर जो इन्वायरमेंटल चेंजेस, इन्वायरमेंट मतलब कि सर्दी गर्मी, ये सारे जो मौसम चेंज होते हैं ना, इसी के साथ हमें लगातार निरंतर अपनी बॉडी के अंदर चेंज लाने पड़ते हैं। जैसे मान लो सर्दी आ गई। अब सर्दी आ गई, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 36 डिग्री सेल्सियस, वहाँ से ठंड बढ़ रही है तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी गिर जाए कि 5 डिग्री चला जाए, 6 डिग्री चला जाए, उससे तो हमें बुखार हो जाएगा ना। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं होने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होकर हमारी बॉडी को गर्म करती है, ठीक है। और ये गर्म करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। और क्या काम आता है ये फूड हमारे लिए? इट हेल्प्स आवर बॉडी ग्रो एंड कीप हेल्दी ऑल्सो। ये हमारी बॉडी को ग्रो होने के लिए, मतलब कि जैसे हम छोटे थे, स्टार्टिंग में पैदा हुए थे बहुत छोटे थे, फिर धीरे धीरे बड़े होते होते अब तुम लोग 6th क्लास में आ गए हो, है ना, तो काफ़ी बड़े हो गए। तो वो सब किस चीज़ से हुआ है? फूड की मदद से। फूड ने आपको लगातार मदद किया है ग्रो होने के लिए और आपने आपको हेल्दी बनाए रखने के लिए। अब देख लो कि तुम्हारी क्लास में एक लड़का बहुत पतला होगा, वो पतला क्यों है? जेनेटिक इश्यूज भी हो सकते हैं कि उनके मम्मी पापा पतले थे तो वो भी पतला है, लेकिन उसके अलावा जो सबसे मेन क्राइटेरिया है कि वो फूड कम खाता है। जो पतले लोग होते हैं वो तुमने देखा होगा 2 या 3 रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाते। जो मोटा आदमी होता है, जो हेल्थी मस्त बंदा होता है, वो आराम से 4 से 5 रोटियाँ खा लेता है ना। तो ये अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए और अपनी बॉडी को लगातार ग्रो करने के लिए कौन मदद करता है? फूड मदद करता है ना। डेफिनेशन क्या है फूड की? एनीथिंग दैट पीपल ईट कैन बी कॉल्ड फूड। हर वो चीज़ जो कि इंसान खा सकता है, खा के पचा सकता है, उस चीज़ को बोलते हैं फूड। अब कुछ भी चीज़ का मतलब ये नहीं है कि हम पत्थर या ईंट उठा के खा ले। खा तो उन्हें भी सकते हैं, पच तो शायद वो भी जाएगा कहीं ना कहीं जाके, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, उसको फूड नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जाता? बट इट मेक्स मोर सेंस टू टॉक ऑफ इट एज बीइंग ओनली दोस प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स पीपल इंजॉय ईटिंग। बट ज़्यादा सेंस क्या होता है किसी भी बात को मतलब करने के लिए? ज़्यादा सेंस क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जो तुम्हें टेस्ट प्रोवाइड करे, या फिर वो प्लांट्स का कोई प्रोडक्ट हो या फिर एनिमल का प्रोडक्ट हो, रोटी सब्जी हो एंड मीट वगैरह हो, तो कोई मतलब है ना खाने का। पत्थर या फिर ईंटें उठा के नहीं खा सकता ना। तो ये डिसाइड क्या करता है कि जो हमें गुड फूड होता है वो क्यों, मतलब कि अपन अच्छा खाना सिर्फ प्लांट्स या एनिमल से क्यों खाते? पत्थर वत्थर क्यों नहीं खा लेते? क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि पत्थर और वो सब वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकती जो कि हमें जिंदा रहने के लिए फूड से मिलता है। तो कौन सी चीज़ें होती है ऐसी? सबसे पहली चीज़ प्रोवाइड्स एनर्जी। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वो हमें प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम हमारे जीवन का हर काम कर सकते हैं, हर चीज़ हम जिंदा रहने के लिए जो भी चीज़ें करते हैं, सुबह उठना, जो मतलब चलना फिरना, सोना वगैरह, जागना, हर चीज़, सुबह जो भी झाड़ू पोछा वगैरह भी करते हैं ना, ये सब चीज़ों के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना। अगर हम जिंदा है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। वो एनर्जी कौन देगा? फूड देगा, और फूड वो जो कि अच्छा फूड हो, ईंटे या पत्थर नहीं देंगे, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स।
ये हमारे ग्रोथ के लिए काम आता है। मैं बताया कैसे कि जैसे तुम छोटे थे बड़े हो गए तो लगातार तुम्हें फूड मिलता रहा, इसीलिए तुम बड़े हो पाए हो। ठीक है, वैसे भी बड़े हो सकते हो बिना फूड के, लेकिन वो तुम लोग जानते हो कि कैसे बड़े होते, कि बहुत पतले पतले ले जाते, कुपोषित हो जाते हैं, है ना। तो हर चीज तुम्हारी ग्रोथ का सबसे मेन फैक्टर होता है फूड। दूसरी चीज है रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। अब रिपेयर का मतलब तुम लोग वो मत समझ लेना है गाड़ी रिपेयर कर रहे कि या फिर स्क्रू टाइट कर दिया, ऐसा बॉडी पार्ट्स के साथ तो नहीं कर सकते ना अपन। तो बॉडी पार्ट्स का रिपेयर क्या होता है कि मान लो तुम साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते चलाते कहीं गिर गए, अब तुम्हारी बॉडी छिल गई, तुम्हारी बॉडी का जैसे कि घुटना छिल गया, घुटने के ऊपर से तुम्हारी बहुत सारी चमड़ी उचक गई। अब जो हमारी बॉडी है ना लगातार कुछ एनर्जी लेती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ प्रोटीन्स, कुछ विटामिन्स लेती है ताकि उस बॉडी का जो छिला हुआ पार्ट है उसके ऊपर नया जो चमड़ी है वो आ जाए। तो वो सब किस चीज की मदद से हो सकता है, फूड की मदद से, है ना। फिर तीसरी चीज है रेगुलेट्स ग्रोथ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। हर पॉइंट के अंदर तुम्हें दिख रहा है कि ग्रोथ की बात की गई है। रेगुलेट का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे जीवन को लगातार चलाने वाला, कि तुम्हारी ग्रोथ को लगातार बढ़ाने में मदद कौन करता है, फूड करता है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, नॉर्मल फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है कि हर काम करना, है ना। तो तुम्हारी जीवन का तुम जो भी बॉडी हमारी सुबह से शाम तक जो भी काम करती है, जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग करती है, वो सब रेगुलेट कौन करता है, फूड करता है, है ना, समझ में आया। तो हमारी बॉडी के अंदर फूड की बहुत जरूरत होती है। अब चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। अब बहुत टाइप की डिजीजेस आती है हमें, जैसे कि जुखाम आ गया, खांसी वासी आ गई, कोरोना को ले लो। कोरोना के अंदर सारे जने बोल रहे हैं कि हमें इम्यूनिटी बनानी है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी पावर आ जाए जिसकी मदद से हम उस कोरोना के वायरस से लड़ सके। अब लड़ने के लिए सुबह शाम कुछ खाना पड़ेगा, कुछ खाना आ जाएगा। तो होता क्या है कि जो अपन खाना खाते हैं उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो ये जैसे बॉडी के अंदर जाते हैं, ये उस वायरसेस के अगेंस्ट या डिजीजेस के अगेंस्ट में लड़ लड़के अपनी बॉडी को बचाते हैं। तो किस चीज से तुम्हारी इम्यूनिटी बनी, उस फूड से जो तुमने थोड़ी देर पहले खाया था, समझे। तो फूड तुम्हारी बॉडी के लिए इसलिए बहुत जरूरी होता है। अब हम चैप्टर के अंदर घुसते हैं कि सोर्सेस ऑफ फूड। ये जो हमने अभी तक फूड की बात करी जिससे एनर्जी मिलती है, ग्रोथ होती है, हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, बॉडी डिजीजेस के अगेंस्ट में काम आता है, अब ये फूड आता कहाँ से। अब मान लो फूड ऐसा तो है नहीं कि बारिश हो रही है, बारिश के अंदर पानी के साथ फूड आ गया, नहीं ना। ये फूड कहीं ना कहीं जाके उगता है, वहां से उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर अपने घर पे लाया जाता है, फिर पकाया जाता है। जैसे कि गेहूं ले लेते हैं, एक एग्जांपल में गेहूं ले लेते हैं। अब गेहूं उगा, अब या तो उस गेहूं को डायरेक्ट निकाल के खा लेते हैं, ऐसा तुमने कहीं देखा है कि तुम्हारे घर पे गेहूं लाया और तुम लोग गेहूं खा रहे हो सुबह शाम, नहीं ना। उसको क्या करते हैं, पहले अपन पिसवाते हैं, उसको आटा बनवाते हैं, फिर उसको गूंद के रोटी बना के फिर खाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें होती है सोर्सेस की, कहां से लाया जा रहा है किसी भी फूड आइटम को, है ना। तो सबसे पहली चीज सोर्सेस ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स, कि कहां से लाया जा रहा है, ह्यूमन बींग्स का सोर्स क्या है फूड का, ठीक है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ फूड फॉर पीपल, द सी इज अनादर सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स और एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं पीपल जो भी खाना खाते हैं। फूड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, या तो प्लांट से तोड़ ले, फ्रूट्स वगैरह हो गया, उसकी मेथी वगैरह हो गई, ये सारे अपन प्लांट से तोड़ ले, या फिर मीट वगैरह हो गया, ये एनिमल से मिल जाते हमें। फिर इसके बाद में आते हैं सी फूड। सी जो है हमारे लिए एक इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है फूड का, जैसे कि क्रैब वगैरह, बिच्छू वगैरह जो होते हैं उनको भी खाया जाता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो उसे पानी में उगते हैं, लोटस वगैरह, है ना। तो लोटस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ होती है जिनको खाया जाता है प्रोटीन्स के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सी से मिलती है, सी फूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स से कैसे हमें फूड मिलता है, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर से जो सोर्सेस है ना वो बहुत टाइप्स में डिवाइड कर रखे हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है ना खाने के लिए, बहुत सारे फूड होते हैं प्लांट्स से जो अपन को मिलते हैं। जैसे कि वैरायटी में देख लो कि चावल है, घी है, मतलब जो भी चीज़ें, चावल अपना गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल चावल हो गए, आलू हो गया, एप्पल वैप्पल, जो भी हम चीज़ें खाते हैं ये सब प्लांट्स के अंदर से आती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हम कैसे एक साथ तो नहीं पढ़ सकते ना, तो इनको डिवाइड कर रखा है अलग अलग चीज़ों में। किस बेसिस पे डिवाइड कर रखा है, कि जो प्लांट के जो पार्ट्स से ये चीज़ें बनती है,
है ना, जैसे कि कुछ चीजें लीव्स से बनती है, लीव्स को डायरेक्ट अपन खा लेते हैं, जैसे मेथी होता है, पालक होता है, इन सब की लीव्स को खा रहे ना अपन। कुछ होता है फ्रूट्स में, जैसे एप्पल वगैरह हो गया, वो फ्रूट बन के आ गया, अपन ने तोड़ के खा लिया। दाल चावल जैसे कि गेहूं है, गेहूं को तोड़ा जाता है तो उसकी लीव्स अलग से निकल के आते हैं, वो गेहूं तोड़ के लाते हैं, तो इसे अलग अलग जगह पार्ट से बनते हैं। आलू हो गया जो कि रूट में उगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला पार्ट है सीरियल क्रॉप्स, क्रॉप्स, तुम्हें मैं प्लांट्स और क्रॉप्स के बीच का मतलब समझाता हूँ, ठीक है। एक पहले एक बार इसको इरेज कर लेते हैं हम सबको, है ना। हर चीज को इरेज कर लेते हैं, फिर आप ढंग से समझ पाओगे कि क्या क्या चीजें हैं। है ना, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि प्लांट्स और क्रॉप्स, ये है प्लांट्स, ये है क्रॉप्स, इसका मतलब क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो चीजें तो दोनों सेम, प्लांट को ही क्रॉप बोला जाता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि अब प्लांट कैसे उगता है कि पहले अपन एक सीड को बोते हैं, वो धीरे धीरे उगता है, उसमें एक स्टेम आती है, फिर उसके ऊपर लीव्स आती है, फिर फ्लावर्स आते हैं, फिर फ्रूट्स आते हैं, है ना। अब प्लांट जो है ना, वो स्टार्टिंग से जब अपन ने सीड बोया तब से जब तक उसमें फ्रूट आया तब तक भी वो प्लांट का प्लांट ही कहलाएगा। लेकिन क्रॉप क्या होगी, जब एक प्लांट तुमने उगाया, वो पूरा उग के आया, फिर उसमें से कुछ खाने लायक चीज बनी, जब तक तुम्हारा फ्रूट या फिर पुदीना या फिर आलू वालू बना नहीं जिसको तुम खा सको, जब वो पूरा बन जाता है कि किसी चीज को तुम उस प्लांट से खा सकते हो, तो उसको क्रॉप बोल दिया जाता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप जो मानी जाती है वो होती है हमारी, जो होती है हमारी सीरियल क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स, ठीक है ना। सीरियल क्रॉप्स इसको नाम क्यों दिया गया है कि जैसे कि हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको हम कभी कभी खाया जाता है, जैसे कि सब्जियां होती है। अब ऐसी कोई सब्जी नहीं होती जिसको कि हम पूरा महीना भर खा सके एक साथ। आलू की सब्जी तुम लोग महीना भर छोड़ो, हफ्ता भर पूरा खाते एक साथ नहीं खा सकते ना। एक दिन सुबह बनाई, शाम को खत्म कर ली, बस खत्म ना, अगले दिन नहीं बनाते, ज्यादातर नहीं बनाए जाते। लेकिन सीरियल क्रॉप्स ऐसी चीज होती है, ऐसी क्रॉप्स होती है जिनको हम साल भर सुबह शाम बनाते हैं। अब आप कुछ सोचो ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप सुबह भी खाते हो, शाम को भी खाते हो और अगले दिन वापस खाते हो। दाल चावल नहीं ना, कौन सी है, गेहूं है, चावल है, सुबह भी खाते हो शाम को भी खाते हो। तो इस हिसाब से क्या हुआ, अच्छा आलू वगैरह हो गया, तो साल भर में आप मान लो ज्यादा से ज्यादा मान लो 2 महीने पूरा लगातार खा लिया, 2 महीने या 3 महीने ज्यादा नहीं खा सकते। लेकिन दाल चावल हो गया, गेहूं हो गया, इसको साल भर खाते हो। तो इस हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ आपके लिए, आलू, नहीं ना, आलू से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो चावल और गेहूं हुए ना। तो ये जो सीरियल क्रॉप्स होती है, इस बेसिस पे अपन अपन अंदर से पढ़ते हैं क्या चीज है। सीरियल क्रॉप्स गिव अस मोर फूड देन एनी अदर सोर्स थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, दे हैव बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड। अब तक की हमारी ह्यूमन हिस्ट्री से मतलब कि पहले से अपन जो अब तक खाते हैं उसके हिसाब से जो सबसे ज्यादा चीज खाई जाती है, जैसे कि मैं बचपन से आज तक खाया, अब मैंने जितना आलू खाया उससे ज्यादा तो गेहूं ही खाया होगा, चावल या गेहूं ही खाया है क्योंकि मैं रोज खाता हूं उसे, है ना। तो जो सबसे ज्यादा चीज खाई जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है खाने का, वो है हमारा सीरियल क्रॉप। सम सीरियल्स सच एज राइस एंड मेज आर ईटन इन द नेचुरल फॉर्म। कुछ सीरियल जैसे कि चावल, मेज का मतलब होता है मक्का, मक्का खाते हो ना तुम लोग सारे, रोटी बना के खाते हो ना उसको, तो मक्का हो गया, चावल हो गया, ये कुछ सीरियल से जो यूजुअली खाया जाता है हर जगह पे, ठीक है। अगला कौन सा है, सच एज वीट एंड राई आर ग्राउंडेड इन टू फ्लोर बींग बेक्ड और कुक्ड। वीट, गेहूं जो होता है, ये वैसी चीजें हैं जिनको फ्लोर का मतलब क्या होता है कि जो अपन आटा वगैरह में बनाते हैं ना, बिल्कुल ही चिकना सा पाउडर जैसा बना देते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोर बनाना। तो वीट और ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको अलग से सीरियल से जिनको फ्लोर बना के मतलब पाउडर फॉर्म में करके उनको बेक या फिर कुक किया जाता है। बेक का मतलब पता है ना कि मतलब कि जैसे तवा पे रख के अपन बेक वेक करते किसी भी चीज को या फिर कुक करना, उसके साथ में जब यूज किया जाता है तो वो होता है, वो भी सब सीरियल क्रॉप्स के अंदर आते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज अपना है रूट क्रॉप्स। नाम से ही समझ में आ गया, रूट क्रॉप्स मतलब कि जो ऐसी क्रॉप्स जिसके अंदर कुछ खाने का सामान रूट्स में हो, है ना। तो आप खुद बताओ, आपने खुद सोचो कि ऐसी कौन सी चीजें होती है जो आप दिन भर में देखते हो जो कि आपको रूट से मिलती है।
आलू तुम लोगों ने देखा होगा है ना, सुबह शाम मतलब बहुत मजे से खाते अपन सब आलू को। तो आलू आता कहाँ से? रूट्स से आता है ना। तो वो रूट्स के अंदर से निकाल के, तो मतलब रूट्स से आता है, मतलब ये नहीं है कि वो उसमें रूट्स में बन रहा है अपने आप बन जाता है, ऐसा नहीं होता। जैसे कि फ्रूट में जब अपन जो भी चीज़ें बनाते हैं वो अपने आप धीरे धीरे उगती है, तो ये लीव्स में उगने के बजाय रूट में उग जाते हैं। रूट में उग के अपने आप को बड़ा कर लेते हैं, फिर अपन उसको खोद के उसके अंदर से निकालना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स होती है ना। तो कौन सी क्रॉप होती है एक बार अपन समझते हैं, इसको वापस इरेज कर लेते हैं वापस, ताकि आप ढंग से समझ सको एक एक चीजों को। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि जो भी आपकी टेक्स्ट बुक्स है उसको आप डायरेक्ट अवेलेबल, ताकि मैं जब भी अगली बार आपको पढ़ाऊँ ना चीजें, आप एक एक लाइन को पढ़ सको, है ना। अब क्या पढ़ रहे हैं? रूट क्रॉप्स। रूट क्रॉप्स का मतलब है कि रूट्स से जो भी अपन को खाना मिलता है, ठीक है। अब बुक का अपन पढ़ते हैं। रूट क्रॉप्स इंक्लूड मेनी वेजिटेबल्स एंड अ फ्यू स्वीट प्लांट्स। रूट क्रॉप्स आर गुड टू ईट एज दे कंटेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ स्टार्च एंड एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस। अब रूट क्रॉप्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? देखो, गेहूं और चावल जो अपन खाते हैं एनर्जी प्रोवाइड करता है, माना बहुत सारा एनर्जी अपन सुबह शाम खाते हैं, सुबह शाम अपन को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन एक होता है कि किस अमाउंट में अपन को एनर्जी दे रहा है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है बहुत स्लोली स्लोली, जैसे चावल और गेहूं जो है वो अपन को एनर्जी देता है माना, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी दे दी, थोड़ी 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 देर बाद थोड़ी दे दी, फिर थोड़ी देर दे दी। लेकिन जो रूट क्रॉप्स होती है ना, इनके अंदर होता है स्टार्च। स्टार्च वो चीज होती है जो सबसे पहले अपन को एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो बहुत जितना भी तेजी से, जैसे अपन ने आलू खा लिया, आलू खाते में सारे मोटे हो जाते हैं। क्या मतलब है उसका? कि जो से वो अपन आलू निकला उसका पूरा का पूरा स्टार्च निकल जाता है, वो पूरी एनर्जी एक साथ अपन को दे देता है, अपने डाइजेस्ट करने से पहले एनर्जी दे देता है बहुत सारी। तो इसकी वजह से अपन मोटे हो जाते हैं, है ना। तो जो भी रूट क्रॉप्स होती है ना, उसके अंदर बहुत सारा स्टार्च भरा होता है, और स्टार्च जो है हमारे एनर्जी बहुत भरपूर देता है। तो रूट क्रॉप्स क्या होती है? बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स जिन जो कि रूट्स पे उगते हैं, है ना। रूट क्रॉप्स आर गुड टू ईट एंड दे कंटेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ स्टार्च। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारा अमाउंट में स्टार्च प्रोवाइड करती है हमें रूट क्रॉप्स, ठीक है। सीरियल क्रॉप्स इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि अपन इससे सुबह शाम खाते थे, पूरा दिन खाते थे, मतलब पूरा साल हम लोग इसी पे जी सकते थे। रूट क्रॉप्स इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें स्टार्च प्रोवाइड करता है। स्टार्च प्रोवाइड करने की वजह से हमें बहुत सारी एनर्जी बहुत जल्दी मिल जाती है। अब हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स देखते हैं। सीरियल क्रॉप्स का देखा था ना अपन ने, वीट मतलब गेहूँ, ठीक है, और अपने पास थी राइस मतलब चावल, मेज मतलब मक्का। रूट क्रॉप्स के एग्जाम्पल देखते अपन। The common root vegetables are yam, cassava, sweets, turnips, carrots, parsnips, radish and beetroot. डरो मत, मैं आपको समझाता हूँ एक एक चीज़ें। Yams का मतलब होता है रतालू। रतालू सुना होगा ना सबने, उसको बोलते हैं yams, ठीक है, या फिर स्वीट पोटेटो बोलते हैं उसको, ठीक है। दूसरा है कसावा। कसावा अपने मतलब राजस्थान वगैरह में तो नहीं मिलता, साउथ साइड में बहुत ज़्यादा मिलता है। ये भी वो उसके अंदर ही रतालू जैसा ही होता है, लेकिन वो अंदर से पूरा वाइट होता है, और उसको भी जैसे अपन चावल वगैरह बनाते हैं ना, वैसे वो साउथ इंडियंस उसको यूज़ में लिया करते हैं। उसके अंदर भी बहुत सारा स्टार्च होता है जो अपन को बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए ज़्यादातर तुमने देखा होगा साउथ इंडियंस लोग ऐसे मोटे मोटे होते हैं, वो लोग यही खाते रहते हैं, उसके अंदर स्टार्च बहुत होता है और वो मोटे हो जाते हैं, है ना। उसके बाद आ जाता है टर्निप्स। टर्निप्स तो सबको पता ही होगा, कांदा वगैरह हो गया, ऑनियन वगैरह हो गया, लहसुन वगैरह, ये सारी जो भी चीज़ आती है वो टर्निप्स में आती है। उसके अंदर और पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ऑनियन वगैरह जो सुना होगा। उसके बाद आता है कैरेट्स। कैरेट्स मतलब होता है, कैरेट्स तो पता ही होगा, गाजर को बोलते हैं। उसके बाद आती है रेडिश। रेडिश मतलब मूली वगैरह, और लास्ट में बीटरूट। बीटरूट तो सबने खाई होगी, ये फोटो के अंदर तुम्हें दिखा रखा है, ये तीसरी वाली फोटो के अंदर ये जो भी चीज़ है ये है बीटरूट। बीटरूट के अंदर बहुत सारा क्या होता है, पूरा रेड कलर का होता है, इसको खाने से बहुत ब्लड बढ़ता है ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको जितना भी तुम लोग मिल सके, जितना भी बीटरूट खा सको ना, उस बीटरूट को खाना, तुम्हारे अंदर बहुत सारा ब्लड बनेगा, तो ब्लड का भी बहुत ज़रूरत होता है ना। जब तुम लोग तो गिरते विरते रहते हो हर टाइम पे, खून वो निकलता रहता है, तो बीटरूट से जितना खा सकते हो उतना खाया करो, ठीक है। अब बाकी जो अपना अब आगे का जो अपना लेक्चर होगा वो हम आगे पढ़ेंगे कि और किस टाइप के प्लांट्स होते हैं। जैसे कि अगले में आएगा अपने लीफ, लीफ का
लीव्स में से कैसे बनाते हैं, स्टेम में से कैसे करते हैं, स्टेम के अंदर से क्या मिलता है, फ्लावर में से क्या मिलता है, फ्रूट में से क्या मिलता है, और उसके आगे का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक तुम लोग क्या करना कि अपने मम्मी पापा से पूछ के या फिर तुम्हारे आसपास जो भी कोई भी मिलता है, जैसे कि तुम लोग अगर खेत वेत के आसपास रहते हो, ठीक है, तो आसपास में जो भी अंकल वगैरह मिले उन लोगों से तुम लोग और भी ध्यान से पूछो कि सीरियल क्रॉप्स, सीरियल उनको समझा देना कि मक्का वक्का जो भी अपन साल भर खाते हैं वो वाली चीज़ें, और जो स्टेम ये जो 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 बुक के अंदर दे रखी है ना, इसके अलावा जो भी तुम्हें सीरियल क्रॉप्स और जो रूट क्रॉप्स मिले, इन सब को तुम उस जो कॉपी जो मैंने बताई थी उस कॉपी के फर्स्ट पेज पे सीरियल क्रॉप्स इक्वल्स टू में करके जितनी भी सीरियल क्रॉप्स तुम्हें मिले, चाहे तुम लोग आसपास से पूछ लो या गूगल कर लो, लेकिन जो भी तुम्हें मिले उन सबको, ज़्यादा तुम लोग कोशिश ये करना कि पापा मम्मी से पूछो, है ना, पापा मम्मी से पूछ लेना, वो तुम्हें अच्छे अच्छे से बता देंगे, और जो भी आसपास बड़े बड़े, उसके अलावा तुम लोग गूगल करके देख लेना, तुम्हें बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। तो सीरियल क्रॉप्स करके जितने भी सीरियल क्रॉप्स मिले जो बुक में है और जो तुम लोग ढूंढो अलग से, ये सब कुछ उसमें लिखना, उसके बाद में रूट क्रॉप्स लिखना, और उस रूट क्रॉप्स में जितने भी तुम्हें सब कुछ मिले वो सब लिखना, ठीक है। तो आज का हम लेक्चर इसी के साथ ओवर करते हैं। थैंक यू।